बाद में मिलती हूँ आपको। तो मैं आ गई हूँ मार्केट से वापस और हमारी सोनी मैडम कर रही है काम। और अभी सोनी के जाने के बाद मैं अपना किचन में काम में लग जाऊँगी। और प्रिंसी को मैंने ट्यूशन छोड़ दिया है, तो 2 बजे जाना है प्रिंसी को लेने। उसके पहले मुझे अपना खाना बनाकर रेडी करना पड़ेगा। और शाम को 4 बजे से IPL चालू हो जाएगा, तो फिर मैं IPL देखूंगी बैठ के, क्योंकि मुझे मैच देखना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैं मिलूंगी आपसे थोड़ा देर के बाद। तो ये देखिए हमारी सोनी मैडम घस घस के पोछा लगाते हुए, ये देखिए एकदम घस घस के पोछा लगाती है। मैं टाइल्स में से मिट्टी लेकर, अरे बहुत घिस घिस के पोछा मारती है, टाइल्स खोद देती है, टाइल्स में खड्डे हो गए, टाइल्स में खड्डे हो गए हैं, इतना घस घस के। देखो कितना साफ पोछा लगाती है, एक कचरा नहीं देखेगा। इसका नंबर मैं लिंक में दे दूंगी, तो कोई भी इसको फोन करके बुला सकता है अपने घर में साफ सफाई के लिए। और ये नेचर वाइज बहुत अच्छी है, पर इसकी सटक जाए तो ये फिर बहुत बुरी हो जाती है, फिर ये अच्छी नहीं रहती है। हंस रही है, पोहा खाई दू खा लिया ना। मेरे को लगा शायद मैंने दिया नहीं निकाल के माइक्रोवेव से, मैं भूल ही गई। तो हमारी सोनी मैडम धीरे धीरे अपने काम के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ती हुई, क्योंकि आज कल से परसों से मैं मैच देख रही ना, तभी कमेंट्री जैसा हो गया है मेरा हाल। सोनी मैडम पोछा लगाते हुए धीरे धीरे बाहर की ओर जा रही है। तो अभी मैं बना लेती हूँ फटाफट से खाना, क्योंकि मुझे 2 बजे जाना है प्रिंसी को लेने के लिए। तो मैं बीच बीच में आपसे मिलते रहूँगी, पूरी रेसिपी नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि मुझे प्रिंसी को लेने जाना है तो खाना बनाने के लिए लेट हो जाएगा। तो चलिए हम आपको अपने पंछियों से और मच्छी से मिला देते हैं, और अपने प्लांट भी आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए ये मेरे चंचल चंचल पंछी, देखो भागा भागी चालू है इन लोगों की, लड़ाई झगड़े चालू है। आज इनका दाना ख़त्म हो गया, तब वो भी मैंने ले लिया है। और अभी आपको दिखाती हूँ मैं अपना प्लांट, जो मैंने न्यू प्लांट लाया था वो आपको दिखाती हूँ। इसमें देखो, अरे यार प्रिंसी ने कहाँ फंसा दिया है इसको बेचारे को। ये देखो इसमें कितना प्यारा फूल आया है, ये देखिए इतना प्यारा सा इसमें फूल आया है, तो मुझे बहुत पसंद आया है ये। और बाकी ये मेरा मनी प्लांट जो वापस है, काफ़ी बड़ा हो गया है, ये नीचे तक जा रहा है अभी। और ये झाड़ सूख गया है, तो इसको मैं निकालूंगी, इसकी जगह कोई दूसरा पौधा लाऊंगी लगाने के लिए। और ये वाला प्लांट भी देखो कितना बड़ा हो गया है, यहाँ से शुरू होता है, फिर ये देखिए तो कितना बड़ा होता है। और ये मेरी रात की रानी है, तो मैंने लगाई थी ये वाली, देखो यहाँ पर दिख रही है थोड़ी सी। तो ये क्या हो गया है, ये चूहे ने खा लिया है, नहीं तो ये बहुत बड़ी हो गई थी, वहाँ ऊपर तक हुई थी ये पूरी, तो चूहा आके इसको काट गया है। और अभी हम मिलते हैं अपनी फिश से, तो हमारी फिश ही देखो मेरा वेट कर रही है, तो मैं इनको कुछ खाने के लिए दूंगी। पर इनका खाना हो चुका है, तो मैं अभी इनको कुछ नहीं दूंगी, अब इनको शाम को दूंगी। पानी कितना क्लियर है, एकदम साफ, मैंने कल बहुत अच्छे से साफ किया था फिश टैंक। तो चलिए अभी हम अपना खाना बनाते हैं और मिलते हैं आपको खाना बनाने के बाद। और जैसे जैसे खाना बनता जाएगा मैं आपको बीच बीच में दिखाती जाऊंगी। तो चलिए मिलती हूँ बाद में, हाय। तो मैंने देखिए इधर फ्रॉन्स भी अच्छे से साफ़ कर लिए हैं, और ये मच्छी भी अच्छे से साफ़ कर ली है। और एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको, मैं प्रिंसी को ट्यूशन से ले आई हूँ। किधर गई प्रिंसू, पता नहीं किधर गई लड़की, अभी तो इधर ही थी। प्रिंसू हे पापा, देखो कहाँ छुप के रहती है, मैं ढूंढ रही हूँ कि कहाँ गई प्रिंसू। कुछ नहीं, मैं ब्लॉग बना रही थी ना, तो मैंने कहा मैं प्रिंसी को लेके आ गई हूँ तो मैं दिखा दूँ। तो प्रिंसी तो इधर पे छुप गई हैं, और ये अभी बाकी के बिस्तर मैंने घड़ी नहीं किए थे, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। अभी मैं ये खेल रही हूँ,
प्रिंसी खेल रही है ये बिल्ली वाला गेम, बलोटा वाला गेम खेल रही है, बलोटा वाला प्रिंसेस। तो बस अभी हम जा रहे हैं किचन में और बनाने की तैयारी करते हैं फिश। तो बस बीच बीच में ऐसे ही मिलती रहूंगी आपके साथ में। तो मैंने दोनों मछलियों के मसाले रेडी कर लिए हैं, टमाटर कट कर लिया है, इधर खड़ा प्याज लहसुन अदरक ये कट कर लिया है, ये दूसरी सब्जी का मसाला है, दूसरी सब्जी का प्याज है, और ये प्रॉन्स का मसाला है, कच्चा नारियल है, कटा हुआ बारीक प्याज है, यहाँ तेल गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने, तेल गर्म हो गया है तो ये दोनों चीज़ें हम इसमें डाल के थोड़ा फ्राई करेंगे। हमारी प्याज हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है, लहसुन अदरक भी फ्राई हो गए हैं, तभी हम इसमें डाल देंगे नारियल जो मैंने कट करके रखा था, अभी इसको भी थोड़ा देर फ्राई करेंगे। तो ये हमने मसाला फ्राई कर लिया है और यहाँ पे लिया है हरा धनिया, इसको धो के हम मिक्सर में इसके इस मसाले के साथ में इसको भी पीस लेंगे। तो यहाँ पर हम प्याज और टमाटरों को फ्राई कर रहे हैं, पहले थोड़ा प्याज को फ्राई किया, फिर उसके बाद में हमने टमाटरों को डाल दिया। अभी ये सब डालने के बाद में हमने यहाँ पर जो मसाला फ्राई करके रखा था ना, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज और धनिया पत्ती इसमें हमने पीस लिए है। तो अभी इसको हम इस तरीके से थोड़ा हिला लें ताकि मसाला अच्छे से ये हो जाए, और फिर हम इसको भी इसमें डाल देंगे, साथ साथ ही सबको भून लेंगे। उसके बाद में हम सूखे मसाले डालेंगे जैसे कि हल्दी, मिर्ची और क्या बोलते धनिया पाउडर, ये सब डालेंगे। बाद में डालेंगे हम पिसा हुआ थोड़ा गरम मसाला, इस तरीके से बना लेंगे। मैं ऐसी बस दिखा रही हूँ, प्रॉपर ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से मैं बना रही हूँ। अगर आप लोगों को समझ में आ जाता है तो आप लोग इस तरीके से बना लीजिए। तो हमारा ये प्रॉन्स लपेटा बनकर रेडी हो गया है, मैंने धनिया डाल दिया है इसमें, और यहाँ पर हमारा मछली का सालन रेडी हो रहा है। मच्छी का सालन बना रही हूँ मैं घर पे, तो स्लो आंच में अभी ये पकेगा। यहाँ मैंने दूध गर्म होने रख दिया है, और यहाँ बर्तन भी धो लिए हैं, और ये बर्तन अभी जो खाली किया है इसको भी धो लूँगी। तो देखिए इधर आईपीएल चालू है मैच टीवी पे, मैं थोड़ा सा फ्री हो गई तो मैं आके मैच लगाकर देख रही हूँ, क्योंकि काफ़ी मैच निकल गया है, और अभी मैं आकर बैठी हूँ हॉल पे तो आपको दिखाती हूँ। तो बस अभी आकर बैठ गई हूँ, मैंने दूध गर्म होने रख दिया है, और मैंने ये अपना सालन भी रख दिया है स्लो आंच पे, तो वो जब तक पकता है तब तक मैं थोड़ा सा बैठ कर यहाँ पर मैच देखती हूँ, और आज के ब्लॉग का मैं करती हूँ पर एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो अपना ख्याल रखें, आप लोग का ख्याल रखें, बाय।